लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण के लिए 12 मई को मतदान होगा और इससे पहले शुक्रवार शाम को छठे चरण का प्रचार थम चुका है। इस चरण में 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी रॉबर्ट्सगंज और गाजीपुर में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। आज दोपहर सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और उसके बाद पीएम मोदी की शाम को दूसरी जनसभा गाजीपुर में होने वाली है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव 2019 का रण आपको बता रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए आज नजर आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी दौरा लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। रॉबर्ट्सगंज और गाजीपुर में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी दौरा आपको बता रहे हैं, जिसमें आज उत्तर प्रदेश में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। रॉबर्ट्सगंज और गाजीपुर में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है आज पीएम मोदी का। लोकसभा चुनाव 2019 का रण आपको लगातार बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज चुनावी दौरा है। उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। रॉबर्ट्सगंज और गाजीपुर में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले आपको बता दें, रॉबर्ट्सगंज में पीएम मोदी की जनसभा है और उसके बाद गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करते दिखेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव 2019 का रण आपको लगातार बता रहे हैं। छठे चरण का चुनाव 12 मई को होना है और इसी के मद्देनजर ताबड़तोड़ जनसभाएं और रैलियां करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के मद्देनजर आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि 12 मई को उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान होना है और इसी के मद्देनजर अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए जनता से अधिक वोट की अपील करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रॉबर्ट्सगंज और गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे।